जिस दिन से जियो ने IOC को लॉन्च किया है, मानो टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप सी मची है। YouTube पर भी हड़कंप सी मची है और आपके अंदर भी हड़कंप सी मची है। लेकिन मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से जियो स्टार्ट हुआ था। याद करिए, 5 सितंबर 2016 से पहले का वो दिन जब आपको 199 का रिचार्ज करवाना पड़ता था और आपको उस 199 के रिचार्ज के बदले सिर्फ 1.5 GB डेटा मिलते थे प्रति महीने की दर से। 28 दिन के लिए आपको 1.5 GB सिर्फ डेटा मिलते थे। याद करिए वो दिन जब आपने मोबाइल के चेक कर, जैसे आप अपने डेटा को ऑफ करते थे, आप चेक करते थे मैंने कितना डेटा कंज्यूम किया। याद करिए वो दिन जब आप यूट्यूब चलाने से डरते थे कि मेरा डेटा ख़त्म हो जाएगा, मेरा तुरंत अभी डेटा ख़त्म हो जाएगा। याद करिए वो दिन, याद करिए। आपको मैं बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि एयरटेल में चले जाओ, वोडाफोन में चले जाओ या कोई और अन्य ऑपरेटर में चले जाओ, उनको मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, ये लोग आपको पहले ही लूट लिए हैं। सोचिए, जरा कंपेरिजन करिए। अब आपको 199 में 39 GB मिलता है। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल आपको 2016 से पहले जब जियो नहीं आया था उससे पहले आपको सिर्फ 1.5 GB देते थे। सोचिए उस समय ये लोग कितना पैसा कमा रहे थे और उस समय कितना, दो गुना तीन गुना भी नहीं, सीधे 38 गुना ये लोग पैसा कमा रहे थे, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। और अब आपसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनमें पोर्ट कर लो। भाई और बहनें, मैं आपको बता दूं कि ये अभी IOC इसलिए नहीं लॉन्च कर रहे हैं, अभी IOC इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अभी अपना सब्सक्राइबर बेस बनाना चाहते हैं। जैसे इनके अंदर आप पोर्ट करवा लोगे, ये भी IOC को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर फ्री में कुछ भी कोई देने वाला नहीं है। अगर फ्री में कोई देने वाला है तो जियो दिया है, और जियो से बढ़कर कोई काम अभी तक कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं किया है। अगर आप मेरे बात से सहमत हो, याद करो 2016 का पहले का वो दिन जब बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, 1 GB डेटा मिलता था आपको सिर्फ 28 दिन के लिए। अगर आप मेरे बात से सहमत हो, तुरंत इसी बात इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखना वी सपोर्ट जियो, और कहीं जियो से जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं इससे पहले जियो अपने पॉकेट से तो भरता था, कोई दिक्कत तो नहीं थी उस समय, और ये लोग बता रहे हैं कि मेरे पास फ्री है। अरे तुम लोगों ने हमें इतना लूटा है पहले 2016 से पहले, वो क्या है, उसका पैसा क्या वापस करोगे? बोलो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बोलो तुम क्या उसका पैसा वापस करोगे जो तुम हमको सिर्फ 199 में सिर्फ 1.5 GB डेटा देते थे? आपको, आप वो दिन भूल गए होंगे मेरे दोस्तों, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूला हूँ जब मैं 199 का रिचार्ज कराता था और सिर्फ मेरे को 1.4 GB डेटा मिलता था। याद करो उस डेटा को मैं पूरे 30-30 दिन ही यूज़ करता था, सिर्फ 1-1 MB, 2-2 MB, 10 MB से अधिक एक दिन में यूज़ नहीं कर पाता था मैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जब से जियो आया है इन लोगों की पूंजी की बजा दिया है, जब से जियो आया है इनकी हालत पंचर है, और उसीलिए अभी ड्रामा कर रहे हैं कि जियो IOC ले रहा है, वो ले रहा है, ये ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। जियो को सपोर्ट करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात से अगर आप सहमत हैं कि जियो से बढ़कर टेलीकॉम कंपनी कोई नहीं है, जो जियो कर रहा है उससे और कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं कर रही है, और जितनी भी सिर्फ टेलीकॉम कंपनी है ना, ये जियो के पैर के जो धूल होता है उसके बराबर भी नहीं है ये लोग। 3 साल में जियो पूरे भारत में छा गया और ये कब से हैं, अभी तक इनका नेटवर्क ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। खैर, बात तो बहुत है दोस्तों, बात करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जियो में बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक करिए और लिखिए वी सपोर्ट जियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यही तो छोटा सा प्यार से वीडियो आप सभी के लिए, अभी तक के लिए बस इतना है, कल तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं वी द विनर को।